Hello everyone, this is Devang Katikar from DK Talks. I hope that you all are doing well. So, in the previous session, we discussed about the entire battle of Haldighati. 18 June 1576 को जो battle हो गया Haldighati में, वहाँ पे कुंवर मानसिंह तो जीत गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने हारने के बावजूद अगले 12-13 साल तक वो मुगल्स के साथ लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की एक जो स्टोरी है वो बहुत ही फेमस है कि जब युद्ध के बाद वो एक गुफा में रह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक मकड़ी जो थी गुफा में, वो गुफा के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुफा के ऊपर जो पेड़ पौधे थे उनमें से पानी आ रहा था, जिसकी वजह से वो फिसल रही थी और नीचे आ रही थी, लेकिन वो मकड़ी कोशिश तो जारी ही रख रही थी। महाराणा प्रताप का जो राजपूत खून था वो उन्हें मुगल्स के सामने हार स्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसके बाद 12 या 13 साल तक उन्होंने मुगल्स के साथ अपनी जो एक फाइट थी वो जारी रखी, लेकिन उन्हें एक मटेरियल सक्सेस हासिल नहीं हो पाया। मुगल्स की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक चीज का पालन मरते दम तक किया कि जब तक वो मुगल्स को हरा नहीं देते, उन्होंने कसम खाई थी कि तब तक वो राज सुख का स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बाद वो भिल्लों के साथ रहते थे, उन्हीं का खाना उन्हीं के पास वो सोते थे, और उसके बाद ऐसे जीवन का स्वीकार करने के बाद वो मुगल्स के साथ लड़ रहे थे अगले 12 या 13 साल। तो ये कहानी थी महाराणा प्रताप की। लेकिन अकबर के बाद जहांगीर आ गए, जहांगीर के बाद शाहजहां आ गए, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गए। औरंगजेब ने अपने 10 भाइयों का कत्ल कर दिया, उसके बाद सबसे बड़े ना होने के बावजूद भी वो मुगल के तख्त पे बैठ गए। औरंगजेब ने उनके जो पिता थे शाहजहां, उन्हें नजर कैद में डाल दिया था आगरा के फोर्ट में, जिस फोर्ट में शाहजहां मरते दम तक जो ताजमहल था जो उन्होंने अपनी बीवी मुमताज के लिए बनवाया था उसे देखते रहे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरे के पूरे मुगल हिस्ट्री में अगर कोई ऐसा आदमी है जो सबसे क्रूएल था जो दिल्ली के थ्रोन में बैठा था, तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब के दौर में मुगलों ने 400,000 मासूम हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब ये कहते थे कि अल्लाह जो है वो उन्हें फरमान देता था कि आप काफिरों की हत्या कर दो, जो बहुत ही गलत चीज थी। कोई भी भगवान अपना जो भक्त है उसे ऐसे चीज करने को नहीं कहता, पर औरंगजेब का तो ये मानना था, जिसके वजह से 400,000 मासूम हिंदुओं का कत्ल हो गया। औरंगजेब ने अपनी जो बीवी थी उसे लाल किले के ऊपर से दीवार से नीचे फेंक दिया था, वहां पे उसकी हत्या हो गई थी, और ये सब उन्होंने गुस्से में किया था। ये थे औरंगजेब। औरंगजेब के और 2-3 नियम थे। औरंगजेब ने अपनी जो आर्मी थी वहां पे बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन लाया था। वो बोलते थे कि टोपी पहनना, जो मुस्लिम्स की टोपी रहती है शाही टोपी, वो पहनना कंपलसरी है। आप दाढ़ी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आपको दाढ़ी काटनी पड़ेगी क्योंकि वॉर में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आपको जो मुस्लिम्स के बाकी के रिचुअल्स है वो अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। सब आर्मी मैन को उन्होंने ये बात कह दी थी कि आपको ये डिसिप्लिन खुद में लाना पड़ेगा। औरंगजेब के वक्त पे मुगल्स बहुत ही स्ट्रेंथन हो चुके थे, दे वर एट देयर पीक। नॉर्थ में मुगल्स का दबदबा था, तो नीचे 3 ऐसे सल्टनेट्स थे जिनका दबदबा कायम था। उसमें से एक थे निजाम जो अहमदनगर के थे, दूसरे थे बीजापुर के आदिल शाह, और तीसरे थे गोलकोंडा के कुतुब शाह। तो नॉर्थ में मुगल्स और नीचे ये 3 पावर्स, आदिल शाह, निजाम शाह और बीच में कुतुब शाह। पूरे देश के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे।
हिंदुस्तान के ऊपर वो लोग हुकूमत कर रहे थे जो इस मिट्टी के थे ही नहीं, जो बाहर से सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए थे, अत्याचार करने के लिए आए थे, मासूम औरतों पे और बच्चों पे बलात्कार करने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी वो सीना तान के चल रहे थे क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो महाभारत में लिखा है कि जब जब इस दुनिया में अंधकार का साया आ गया है तब तक भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था यस्संभवामी युगे युगे। जो महाराणा प्रताप है उनकी स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि गिलहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा जो एक काला बादल मंडरा रहा था इस देश के ऊपर उसे रोकने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। बीजापुर के जो आदिल शाह थे वहां पे शाहजी राजे भोसले काम कर रहे थे। शाहजी राजे भोसले पहले शाहजहां के लिए, मुगल्स के लिए काम करते थे, जिसके बाद वो निजाम अहमदनगर के निजाम के लिए काम करने लगे और जिसके बाद वो बीजापुर के आदिल शाह के लिए काम करते थे। शाहजी राजे भोसले पुणे और सुपे, ये जो दो जगह है उनकी जागीर उनके पास थी जो उन्हें इनहेरिटेंस मिले थी अपने पिताजी से। शाहजी राजे ने जीजाबाई जो लखोजी जाधव की बेटी थी जो सिंध के राजा से बिलोंग करते थे उनसे शादी कर ली और जिसके बाद उन्हें एक नन्ना मुन्ना बच्चा हो गया, बेटा हो गया। यह सिर्फ एक बेटा नहीं था, यह थी एक चिंगारी, ऐसी चिंगारी जो चीख के कह रही थी कि उठो अभी वक्त आ गया है इस बादल को बाजू करने के लिए, अभी वक्त आ गया है कि हम चिल्लाए कि इस देश के ऊपर, इस हिंदुस्तान के ऊपर वही हुकूमत करेगा जो इस देश का होगा, जो औरतों की इज्जत करेगा, जो बच्चों की इज्जत करेगा। यह एक आवाज थी जो हर हिंदुस्तानी के दिल से आ रही थी। दिन था 19 फरवरी 1630। हम मराठी में इसे कहते हैं फाल्गुन वैद्य तृतीया शके 1551। और वो जन्म था शिवाजी का। शिवाजी का जन्म हो गया था शिवनेरी के ऊपर और जिसके बाद इस देश के इतिहास में बहुत ही बड़ा चैप्टर आने वाला था। वो चैप्टर था मराठाओं का। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं जो मराठा हिस्ट्री के ऊपर रहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिस्ट्री है ये हमारी हिस्ट्री है, हम मराठी लोगों की हिस्ट्री है, हम जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनकी हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको और एक चीज बता दूं कि अगर ये हमारी हिस्ट्री है, सिर्फ हमारी हिस्ट्री नहीं है, ये पूरे देश की हिस्ट्री है, क्योंकि ये जो चिंगारी थी जो एक शिवनेरी के ऊपर से आई थी, जो इस महाराष्ट्र में से आई थी, उस चिंगारी की वजह से 1760 में पूरा का पूरा देश मराठाओं की हुकूमत के नीचे आ गया था, जिन्होंने प्रूव कर दिया था कि अगर हम करना चाहे, अगर हम हुकूमत लाना चाहे इस भूमि के पुत्र की, तो वो पूरे देश में हम ला सकते हैं। कटक से अटक तक मराठाओं का साम्राज्य हो गया था, लेकिन जिसकी ये चिंगारी थी इस शिवनेरी के ऊपर से आई थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हो गया था 19 फरवरी 1630 को। इसके बाद जो जो वीडियोस मेरे हैं वो मैं पूरे के पूरे वीडियोस में मराठी में करना चाहूंगा और मैं मराठी में ही करूंगा, क्योंकि मुझे जो अब तक रीच करना है वो मैं हिंदी या इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा इसके बाद। सो आफ्टर दिस वीडियो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, इट्स गोना बी आर जर्नी। आपल्या मराठी माणसाची ही एक जर्नी आहे, आपल्या मराठी माणसाची ही वाटचाल आहे की कसा एक छोटासा माणूस दैवाचं दर्शन आपल्याला करून घेऊन गेला। प्रत्येक माणसासाठी, प्रत्येक मराठी माणसासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज हे दैवतच आहे। अनेक घर तुम्हाला असे दिसतील की त्याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे देवाऱ्यामध्ये।
सावरकरांनी लिहिलेलं आहे जय देव जय देव जय शिवराया या या अनन्य शरण आर्या थार्या, आर्यांच्या देशावरील लेच्छांचा घाला आला आला सावध हो शिव भूपाला, सद्गदिता भूमाता दे तुझा हा केला करुणार भेदुनी परिहृदय नगा गेला, जय देव जय देव जय जय शिवराया या या अनन्य शरण आर्या ताराया। असा हा शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुढच्या व्हिडिओज मधून आपल्याला कळेल, त्याच्याबद्दल अनेक नवीन गोष्टी नवीन माहिती आपल्याला कळतील, पण तूर्तास इथे थांबतो। नमस्कार अँड कीप वॉचिंग।